चलो ये बताओ कहाँ तक पढ़ लिया था अपन लोगों ने? अच्छा ठीक है। ठीक तो अपन लोग एक बार एमसीक्यू करें कि आगे करें? एमसीक्यू करें। हाँ आप मुझे बुक ला करके दे दीजिए थोड़ा इनको अभी। यही है ना फर्स्ट वाले शुरू वाले एमसीक्यू है ना तुम्हारे साथ? ओके अब वो इनको फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू नहीं है, मतलब ठीक जो चैप्टर में करा रहा हूँ इसके एमसीक्यू। ठीक है अभी इसमें देख लो है ना। कौन से चैप्टर तुम्हारा सेकंड में? फर्स्ट तुम्हारा कितना ओवरव्यू ऑफ कंपनी सब ठीक वो हो गया तुम्हारा? अच्छा कैन बिजनेस एनवायरनमेंट बी डिवाइडेड? बताओ क्या होगा इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवाइड किया हुआ? ठीक है ना, डैश रिप्रेजेंट्स ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस फैक्टर्स और कंडीशन दैट एग्जर्ट सम डिग्री ऑफ इंपैक्ट ऑन द बिजनेस डिसीजन स्ट्रैटेजीज एंड एक्शंस टेकन बाय द बिजनेस एनवायरनमेंट।
देखो अभी ये मत करना कि आंसर आ गया तो बाकी का क्वेश्चन तुमने रीड नहीं किया, क्योंकि अभी तुमने एनवायरनमेंट पढ़ा है तो अभी तुमको पता है कि एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, पर तुमको ये इस हिसाब से रीड करना पड़ेगा कि अगर ये इंडिपेंडेंटली आया तो ये क्लिक करे ना कि इसका आंसर एनवायरनमेंट है। अभी क्या है कि बाकी चीजें भी तो हो सकती हैं, है ना, कुछ इम्पैक्ट तो पड़ेगा इन चीजों का। वो क्या है, बिजनेस एनवायरमेंट, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंट इनपुट, ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन विच एनवायरमेंट फॉर इनपुट। ठीक पूरे पढ़ो तुम्हें मिल जाएगा आंसर। इनपुट के लिए क्या जाएंगे, एक्सटर्नल में सब कवर हो जाएगा ना, नहीं आया समझ, एक्सटर्नल ब्रॉडर है, टेक्नोलॉजिकल तो है ही आंसर, सोशियो इकोनॉमिकल भी है, लेकिन आंसर आ रहा है समझ, इसलिए इसका आंसर क्या है, एक्सटर्नल सब कवर। ठीक बच्चों, चलो फोर्थ वाला बताओ, बिजनेस एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट्स डैश फोर्सेस दैट एग्जर्ट सम डिग्री ऑफ इंपैक्ट ऑन द बिजनेस डिसीजंस टेकन बाय द फर्म। क्या क्या होगा बताओ, एक्सटर्नल। देखो बिजनेस के एनवायरनमेंट में क्या है, मेनली एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि इफेक्ट करेंगे किसको, बिजनेस ने जो डिसीजन लिए उसको। नहीं आया समझ, क्लियर है, चलो फिफ्थ बताओ, एक्सटर्नल फोर्सेस इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ओके बोथ ए एंड बी। आ रहा है समझ, ठीक है ना, एनवायरमेंटल एनालिसिस हेल्प इन। फॉलो दी, ठीक है, सेवेंथ वाला डैश एनवायरमेंट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज, डैश एनवायरमेंट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज। एक्सटर्नल अभी बताऊं, सीखने क्योंकि इसका आंसर, इसके आंसर में क्या आंसर, नहीं नहीं बोलता, ठीक है, अच्छा इसलिए नहीं रैंडम काम कर, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम होता है लेकिन एग्जैक्टली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। चलो नाइन्थ का बताओ, इंटरनल फोर्सेस फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट इज आल्सो रेफर्ड टू एज कंट्रोलेबल। क्यों, क्योंकि इंटरनल फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते, ट्रेंड्स रिलेट टू कॉमन सेंस से दे सकते हो उसका, ठीक ट्रेंड में आप किसको देखते हो, लोगों को कि चीजों, चीजों को देखते हो, सी तो लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टेड ग्रुप सिर्फ इंटरेस्टेड ग्रुप की बात नहीं कर रहे होते ना, हम तो इन जनरल लोगों की बात कर रहे होते हैं। अरे सुन, आंसर इसका बी कि ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर और रिलेटेड इवेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड। क्लियर है, ठीक है, चलो इलेवन, अनकंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल चीजें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। ए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन,
मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं। ठीक है चलो 13th वाला बताओ। हाँ डी नहीं नहीं इसको क्यों नहीं दी? अच्छा नहीं अच्छा नहीं मिलेगा उसमें कुछ बोल बोल दिया हुआ है। तेरे को नहीं देगा तो लड़ाई है तो कर नहीं है तो नोट दे। ठीक है बताओ तो टीम के क्या हो डी। ठीक है 14th व्हाट आर द प्री रिक्विजिट फॉर अ फर्म टू रिस्पॉन्ड टू। देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या करना पड़ता है। सब करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट को मॉनिटर करो, फैक्टर्स आइडेंटिफाई करो और कैपेसिटी भी होनी चाहिए टू डेवलप इफेक्टिव रिस्पॉन्स। आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। 15th बताओ चेंज इन द एनवायरनमेंट क्या होगा। ठीक है 16th वाला मिल गया। 16th वाला थ्रेट इज ऑफ क्लियर है क्लियर है। 17 विच टाइप ऑफ एंटरप्राइज डज नॉट हैव द नीड टू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। नन ऑफ दी में से कौन सी फॉर्म है जो एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करती। सब करती है तो ऐसे ही है। ठीक है 18 बताओ हु ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द देख रहे इन द मार्केटिंग एम्पायर कंज्यूमर ऑफिस। ठीक है ना कंज्यूमर और कस्टमर दोनों दिए हुए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन है। कंज्यूमर होगा तभी वो चीज खरीदी जाएगी। कस्टमर तक वो है जो खरीद रहा है। पर कस्टमर क्यों खरीद रहा है या तो उसको खुद कंज्यूम करना है या किसी और को कंज्यूम करना। कंज्यूम से ही क्या डिराइव हो रही है डिमांड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट इंक्लूड फिर द प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ विच एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट। बताओ किस एलिमेंट का इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट। आ रहा है ठीक है इसका आंसर होगा मार्केट। 21 द बेसिक गोल ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस इंक्लूड। ठीक है ऑल ऑफ दी अबव क्योंकि आपको ये सब पता करना है।
इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और स्ट्रेटेजिक डिसीजन करनी है। व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस? जी बताओ। क्या होगा मुश्किल क्यों है समझना? बहुत सारे सबसिस्टेंट हैं और प्रेडिक्ट इजीली नहीं कर सकते और कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क भी कॉम्प्लेक्स है ना। ठीक है, इसका आंसर होगा डी 23। सिस्टम सिस्टम किसको कहते हैं? क्या एक एक ऐसा सिनेरियो, बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं रेगुलर, तो एक सिस्टम के अंदर सब सिस्टम मतलब उसके अंदर में एक इंडिपेंडेंट सिस्टम जो है वो चल रहा है। इसका मतलब जैसे एटीएम का एक सिस्टम है, सुंदर है, जैसे बैंक का एक सिस्टम है ना, तो बैंक एक सिस्टम है। तुम अंदर जाओगे तो वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट का अपना एक सिस्टम है। फिर एक डिपार्टमेंट में एटीएम रखा हुआ, उस एटीएम का अपना एक सिस्टम है। तो खूब सारे सिस्टम्स के अंदर अंदर भी क्या होते हैं? सब सिस्टम्स होते हैं। सब सिस्टम मतलब जो अपने आप में इंडिपेंडेंटली एक सिस्टम है, पर जो जो एक एलिमेंट भी है एक बड़े सिस्टम का। ठीक है, क्लियर है? और इसीलिए क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। 23, दैश विद देयर ओन बार्गेनिंग पावर अफेक्ट द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री। क्या होगा? सप्लायर। ठीक है, क्लियर है? फिर प्रोसीजर्स ऑफ एनालाइजिंग थ्रेट्स, ठीक है, एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इज क्लासिफाइड एज। डी डी क्यों? क्या स्कैनिंग करना मतलब पता लगाना कि क्या थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी। 25, इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट स्कैनिंग, इंटरेस्ट रेट साइकिल ऑफ रिसेशन एंड इन्फ्लेशन आर क्लासिफाइड एज। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस, इसमें एक्चुअली में ऑप्शन थोड़े हैं कि उसका आसान से निकल जा रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ डेमोग्राफिक एनवायरमेंट? क्या क्यों? क्यों क्यों क्यों? लोगों से रिलेटेड जो चीजें रहती हैं वो सारी डेमोग्राफिक्स में आती है। तो एथनिक और पॉपुलेशन साइज तो तुम्हारा डेमोग्राफिक में आ ही है। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कि लोग कहाँ पर रहते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो लोगों से ही रिलेटेड है। इसीलिए क्या बचा? लीगल। ठीक है ना, कि डेमोग्राफिक्स में लीगल नाम है। इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट स्कैनिंग, टैक्स लेजिस्लेशन, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन एंड टैक्स प्रोविजंस आर क्लासिफाइड एज। क्या क्या होंगे, कैसे? क्योंकि ये सब चीजें कौन कर रहा है? गवर्नमेंट लगा रही। चलो, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? इसमें से कौन सी चीज एक्सटर्नल एनवायरमेंट का पार्ट नहीं है? ऑर्गेनाइजेशन का अपना जो स्ट्रक्चर है, कौन मैनेजर बनेगा, कितने लोग रहेंगे, कितने लेवल्स रहेंगे, ये सब किसका मैटर है? इंटरनल का है। एनवायरमेंट विच इज क्लोज टू बिजनेस एंड अफेक्ट इट्स कैपेसिटी टू वर्क इज नोन एज। क्या
ये है माइक, समझ में आ रही है बात? तो अब देखो इसको रीड करो, है ना? अभी देखो कौन सा क्वेश्चन नंबर था इंटरनल वाला। अच्छा नहीं, और भी थे ना? मतलब जब कंट्रोल वाला पॉइंट बोल रहे हैं तो अपन क्या बोल रहे हैं कि इंटरनल को अपन कंट्रोल कर सकते, बट क्लोज टू बिजनेस ये किसमें आ रहा है? माइक्रो में। देखो माइक्रो मतलब कि पास वाला, और इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाला। तो इंटरनल को आप कंट्रोल कर सकते हो, माइक्रो जरूरी नहीं कि आप कंट्रोल कर पाओ। स्वॉट एनालिसिस रिफर्स टू, ये आसान है जॉब, इसका भी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी फर्म्स कैपेसिटी टू टेक एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स ओनर्स। स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, कैपेसिटी की बात कर रहा हूं, मतलब स्ट्रेंथ की बात। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज नोन एज, अभी बताया बात है, मतलब लोगों के बारे में। 34 डैश इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ कंस्ट्रेंट व्हिच क्रिएट्स अ स्ट्रेटजिक डिसएडवांटेज, वीकनेस, ठीक है ना? अपॉर्चुनिटी इज अ डैश कंडीशन इन विच इन द फर्म एनवायरमेंट। रीड कर लो, मुझे खांसी ज्यादा आ रही है। 35 35 क्या क्या के लाइक 36 ये चेंज, चेंज, ठीक है ना? सिंगल वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना है तो कैसे करोगे? एवर चेंजिंग, ठीक है ना? चलो 37 क्या हुआ? स्ट्रेंथ और वीकनेस। चलो अंडर स्वॉट स्ट्रेंथ ऑफ अ फर्म डज नॉट रिफर टू, अरे फेवरेबल मार्केट भाई साहब, अपॉर्चुनिटी है फेवरेबल मार्केट। स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ किसको नहीं बोलोगे? फेवरेबल मार्केट तो अपॉर्चुनिटी है ना, नहीं समझे? बाकी तीन तुम्हारी स्ट्रेंथ, ठीक है? 39 कॉम्पिटिशन पे किसको फायदा हो? अरे बिना ऑप्शन देखे सोचो, कस्टमर फायदा चला जाता है, ऑप्शन देख के बहुत कंफ्यूज हो रहा है, नहीं आया कॉम्पिटिशन पे कस्टमर को फायदा होता है कि नहीं होता? सिंपल बात है, तो इफेक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया पर मार्केटिंग इज। ओके।
बताओ क्या होगा। देखो इसमें ना दो चीजें हो सकती है, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी दोनों हो सकता है। मान लो कि अब सोशल मीडिया बहुत दिन हो गए ना आ गए, इसलिए अपन उसको स्ट्रेंथ के बंडल बोल सकते हैं कि भाई अगर हम अच्छा कर पाते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है, स्ट्रेंथ। और ये उस समय अपॉर्चुनिटी था जब सोशल मीडिया नया नया, उस समय ये क्या था, एक अपॉर्चुनिटी था। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बुक में आंसर अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है, क्योंकि ये उस समय के हिसाब से कि नया नया आया सोशल मीडिया, तो अपॉर्चुनिटी यूज कर लो, ठीक है ना। फिर 41, तब होता है तो डी होगा इसका, नन ऑफ दी अबव। 42 डैश इज द प्राइम, बताओ। स्कैन, ठीक है ना, स्कैन कर रहे हो आप एनवायरनमेंट को, इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरमेंट इंक्लूड। होता है आ रहा है सिंह, ठीक है, क्या होगा इसका। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट्स टू विच स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स। अच्छा ये अब जो है, या आगे का पहले अपन लोग थोड़ा सा पढ़ लो, कहाँ पढ़ लिया था अपन को बताओ। ये हो गया ये इंटरेक्शन एक्सचेंजेस ये सॉल्व करना, ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है ना। सबसे मेन तो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, अरे सुन, इनफ्लो। एनवायरनमेंट से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्लानिंग के लिए डेटा मिलेगा, प्लानिंग डिसीजन मेकिंग कंट्रोल के लिए डेटा मिलेगा, बहुत सारे वेरिएबल्स वगैरह जो है ना, और बहुत सारी बाहर में जो भी चीजें हो रही है उनसे इंफॉर्मेशन दिए। फिर इंफॉर्मेशन जनरेशन से क्या होगा, फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा पता लगा पाएंगे ना, अनसर्टेन नहीं रहेंगे कि अब क्या होने वाला। समझ आ रही है? बिजनेस एनवायरनमेंट से क्यों इंटरेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन जानने के लिए, वो इंफॉर्मेशन क्या आती है डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल मार्केट रिसर्च, सर्वे रिपोर्ट, ट्रेड एसोसिएशन रिपोर्ट, गवर्नमेंट एनुअल बजट। अरे सुन, ठीक है, इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड हो सकती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, मार्केट कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, सोशल फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर, पॉलिटिकल गवर्नमेंट पॉलिसी, एक्टिविटीज ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन। आउटफ्लो ये भी इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन में क्या क्या इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं बताओ। प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट, रोड शो, कस्टमर मीट से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हमने इंफॉर्मेशन ली एनवायरमेंट से, एक हम एनवायरमेंट को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और क्या बता रहे हैं, जैसे मान लो VRS प्लान अनाउंसमेंट किया, तो एम्प्लॉइज के बारे में हम क्या कर रहे हैं, बाहर को बता रहे हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। मतलब ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रही है, ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट के बारे में, बिहेवियर के बारे में बता रही है, पॉलिसीज के बारे में बता रही है, और लीगली, ठीक है ना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी उन्होंने प्रॉफिट कमाया है, जो भी कुछ भी कमाया है, तो
उसको किसको बता रहे हैं, अपने इन्वेस्टर्स को, ट्रेड यूनियंस को, गवर्नमेंट को, प्रोफेशनल बॉडीज को? जो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रही है वो ये है, और जो बाहर से अंदर आ रही है वो ये इम्प्लॉय है। क्लियर है? रिसोर्सेज एक्सचेंज होते हैं, सारे एम्प्लॉयज कहाँ से मिले, बाहर से रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, बाहर से, समझ आ रही बात? फाइव एम्स, अरे समझ, ऐसे करके भी पूछ सकते हैं, है ना? तो कैसे हो गई मेन, है ना, मटेरियल, मनी, मेथड्स, अरे एम के लिख रहा हूँ, और ठीक है, ठीक है, चलो, ये सब बाहर से मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को। आउटफ्लो क्या होता है, क्या आप बाहर दे रहे हो रिसोर्सेज में, तो पैसे दे रहे हो, गुड्स सर्विसेज दे रहे हो, प्रोडक्ट और सर्विसेज, अरे सॉरी, और एम्प्लॉयज को सैलरी, ये सब, ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा, स्टेक होल्डर्स वर्ड का क्या मतलब होता है? इसका एक शॉर्टकट था, याद नहीं, लेकिन चल के देखते हैं। आईसेक्स, इन्वेस्टर, आई फॉर इन्वेस्टर, है ना, इन्वेस्टर शेयर होल्डर एक ही बात होगा ना, इन्वेस्टर कस्टमर एम्प्लॉइज, लोकल कम्युनिटी, इनसे एनवायरनमेंट, और ऐसे सप्लायर, आइसलैंड, क्लियर ये? ठीक है, थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है, अब एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर, इन्फ्लुएंस एंड पावर में क्या होता है, इंक्लूड, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पास क्या क्या पावर है जिससे कि वो बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है ना? तो रिसोर्सेस किसके पास है, एनवायरनमेंट के पास, इंफॉर्मेशन किसके पास है, एनवायरनमेंट के पास, इनपुट्स किसके पास है, एनवायरनमेंट के पास, तो एनवायरनमेंट के पास पावर है कि वो बिजनेस को क्या कर सकता है, घुटनों को ला सकता है, भैया शांत रहे, समझ आ रही है बात? और एनवायरनमेंट ऑफर्स रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड। पॉइंट ये है कि एनवायरनमेंट बिजनेस को पनिश भी कर सकता है और रिवॉर्ड भी कर सकता है, आउटफ्लो, ठीक है ना? तो
हम भी कई बार पावर पावर एंड थैंक यू हम भी कई बार पावर एग्जिबिट करती है किसको टुवर्ड्स द एनवायरमेंट जैसे माइक्रोसॉफ्ट गवर्नमेंट तक को इन्फ्लुएंस करती थी वो इन्फ्लुएंस करती है तुम समझो रिलायंस ने आज के डेट में मान लो कि इंटरनेट बंद किया तो क्या होगा मान लो इंटरनेट बंद कर दिया क्या होगा बहुत दिक्कत होगी ना मतलब रिलायंस का नाम खराब हो जाएगा बट इतनी पावर तो है कि वो इन्फ्लुएंस कर सके टू द एक्सटर्नल फोर्सेज और अपने बिल के हिसाब से मोल्ड समझ में आ रही है ये बात ठीक है तो जो प्रोडक्ट दे रहे हैं डिपेंडेंसी हो गई लोगों की ठीक है चलो तो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है कौन से एनवायरमेंट एनवायरमेंट से कौन रिसोर्सेस का एक्सचेंज होता है और इन्फ्लुएंस और पावर टैक्स फिर इंटरनल फैक्टर्स क्या है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देखो कैसे इसको वो कैसे करना बिजनेस फॉर्म और एनवायरनमेंट कैसे रिलेटेड ठीक है तो किस बात एक नई फर्म एनवायरनमेंट से उतना कैसे झेलक होती है और एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट से किस तरीके से रिलेट सोच के देखो आप एक नई फर्म जो है एक नई फर्म जो है वो उसका क्या सीन होता हो एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश कर रही हो और उसके बाद मर्जर करने की कोशिश ही कर रही होगी क्योंकि शुरू में तो ऑर्गेनाइजेशन को समझ में नहीं आता कोई पुरानी फॉर्म उसके साथ क्या होगा वो एनवायरनमेंट में पूरी ढल चुकी है उसको पता है कि भाई कैसे कैसे चल रहा है सबके लिए अनसर्टेन है बट पुरानी फॉर्म्स के लिए मामला आसान होता है क्योंकि एनवायरनमेंट के बहुत सारे रंग रूप वो देख चुका अरे सुन क्लियर है कुछ चेंजेस रूटीन होते हैं ना नई फॉर्म के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल होता है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना उस पर एनवायरमेंट का कम फर्क पड़ छोटी फॉर्म पे एकदम बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है क्लियर है ना एज कितनी पुरानी नेचर ऑफ बिजनेस अगर फॉर्म नेसेसरी वाले बिजनेस में डील कर रही तो उस पर एनवायरनमेंट का उतना फर्क नहीं पड़ेगा बट अगर आईटी कंपनी तो टेक्नोलॉजिकल चेंज तो आए दिन हो एआई आया फिर कितने सारे बर्बाद मतलब आईटी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनका जीवन हमेशा एक्साइटिंग रहता है मतलब अरे समझ ठीक है यानी एक टाइम पे भी भैया सब जितना पुराना सब पड़ा सब रिडंडेंट है फिर नए सॉफ्टवेयर पढ़ो और नया सब पढ़ो क्लियर है फिर सडनली क्या हुआ कि बहुत बूम आया खूब सॉफ्टवेयर बनने लगे तो अभी इतनी सब वो चल रहा था अभी एआई आधे से ज्यादा जॉब में जो लोग हैं वो खाया गया समझ में आ रही है बात क्लियर है ठीक है ना फिर डिग्री ऑफ अच्छा नेचर ऑफ ओनरशिप मतलब पार्टनरशिप में है या तो किसी छोटे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं नेचर ऑफ ओनरशिप हाँ मतलब वो उसमें फर्क पड़ेगा उससे कि कम लोग ओनर है कि ज्यादा लोग जनरल पब्लिक मतलब पार्टनरशिप या कंपनी ऐसे बोल सकते हो